कि बिरयानी में फ्राइड अनियन इज अ मस्ट, इसके बिना बिरयानी बन नहीं सकती है। तो मतलब बन सकती है लेकिन इतनी अच्छी नहीं बन सकती। तो हाँ, अगर आप मेरे चैनल पे नए हो, फर्स्ट टाइम आए, तो सब्सक्राइब कीजिए, बिना नहीं जाना बिरयानी खाए बिना नहीं जाना। चिली चिकन को मैरिनेट कर लेती हूँ मैं। यहाँ पर मैंने लिया है 1 kg चिकन, 3-4 चम्मच दही, 1 चिकन मसाला 1 स्पून और जिंजर गार्लिक चिली पेस्ट, साथ में नमक और 1 बड़ा चम्मच तेल। उसके साथ मिक्स करके चिकन को मैरिनेट करना है 2 घंटे के लिए मिनिमम, आप 1 घंटा भी रख सकते हो। साथ में मैंने सूखे मसाले लिए हैं, लाल मिर्च पाउडर, कोल्हापुरी मसाला, धनिया पाउडर, हल्दी पाउडर, चिकन मसाला और बिरयानी मसाला, साथ में नमक भी दिया है। और 1 प्याज लिया है मैंने राइस के लिए, पुदीना, हरी मिर्च, नींबू, जिंजर गार्लिक चिली पेस्ट और केसर वाला दूध, खड़े मसाले, गरम मसाले और 1/2 किलो अनियन लिया है मैंने स्लाइस करके, और चिकन को कर दिया है मैरिनेट। हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू लाइफ ऑफ टीना। और आज का मेरा वीडियो है थोड़ा सा स्पेशल है, क्योंकि आज है संडे, तो सर कुछ स्पेशल बनेगा और मैं बनाने जा रही हूँ बिरयानी, चिकन बिरयानी, क्योंकि बच्चों की भी डिमांड थी, उनको चिकन खाना था। तो मैंने सोचा आज का दिन है, संडे है, तो चलिए बना देते हैं। बहुत ही सिंपल रेसिपी है, क्विक है, जल्दी से बन जाती है, ज्यादा कुछ इसमें तामझाम करना नहीं है। अगर आपके इंग्रेडिएंट्स रेडी है, सब आपने चॉपिंग कर ली है, सब कुछ रेडी कर लिया है, तो इसको ज्यादा टाइम बिल्कुल भी लगता नहीं है। यहाँ पर मैं अनियन को फ्राई करके ले रही हूँ और साथ में राइस की प्रिपरेशन कर रही हूँ। इसमें मैंने तेल में डाला है 1 अक्खे गरम मसाले, खड़े मसाले और 1 बड़ा प्याज, इसको फ्राई कर लूँगी। साथ में डालूँगी जिंजर गार्लिक चिली पेस्ट और 1 चम्मच बिरयानी मसाला, और उसके बाद मैं इसमें डाल दूँगी जो राइस मैंने धो के रखे थे, ज़्यादा नहीं 5 मिनट के लिए रखे थे मैंने, वो इसमें डाल के अच्छे से मिक्स कर लूँगी हल्के हल्के हाथ से, ज़्यादा जल्दी जल्दी नहीं चलाना नहीं तो फिर राइस टूट जाएंगे। और इसमें रिक्वायर्ड पानी आपको डालना है, याद रखिए कि एक्सेस पानी मत डालिए, नहीं तो फिर राइस बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो जाएंगे। आपको सिर्फ 80% कुक करना है राइस को, तो उसके अकॉर्डिंगली आप इसमें पानी डाल के राइस कुक कर लीजिए। मैंने चावल कुक होने के लिए रख दिया है, जैसे कि मैंने आपको बताया चावल कैसे बनाना है, और ये थोड़ा सा मैंने फ्लेवर्ड राइस बनाया है अदरक लहसुन और चिली पेस्ट के साथ में, जिसका बहुत बढ़िया टेस्ट आता है। क्योंकि अगर प्लेन राइस आप बनाओगे ना, तो उसका ऐसा फीका फीका टेस्ट आएगा, राइस में फ्लेवर नहीं आएगा। तो अगर आपको राइस में फ्लेवर चाहिए, तो आप ऐसी वाली एक टिप के साथ में आप राइस बना के देखिए, बहुत ही ज्यादा बढ़िया बनता है। और यहाँ पर जो है मेरे फ्राइड अनियंस रेडी हो चुके हैं, इसको बहुत टाइम लगता है राइस बनाने के लिए, फ्राइड अनियन को, तो फाइनली रेडी हो गया है। तो चलिए अभी मैं स्टार्ट करती हूँ, और चिकन को पहले तड़का देते हैं। और याद रखिए, राइस को आपको फुल्ली कुक्ड नहीं करना है, इसको मतलब थोड़ा सा हल्का सा अनकुक्ड रखना है इसको। फुल्ली आप कुक करोगे तो जब दम पे आप राइस बनाओगे तो बहुत ही ज्यादा सॉफ्ट और मशी हो जाएगा। तो अगर खुला खुला राइस बनाना है तो इसको आपको 80% कुक करना है, बिकॉज बाकी का जो 20% है वो इसमें लेयरिंग में जब दम पे रखते तब वो कुक हो जाता है। ठीक है, तो मैं वेट कर रही हूँ राइस का। इसको सिर्फ 1 सीटी भी नहीं आना, मतलब 1 सीटी हल्की सी आ गई, उसके बाद गैस को करना है बंद। ठीक है, और गैस को बंद करने के बाद आपको ये याद रखना है कि जैसे इसका प्रेशर, इसको मतलब प्रेशर इसका निकालना है आपको, वेट नहीं करना है कि प्रेशर इसका जाए, बिकॉज आप ऐसा करोगे तो राइस पूरी तरीके से कुक हो जाएगा, मतलब जो बाकी 20% बचा है वो भी कुक हो जाएगा। तो याद रखिए कि इसको जैसे आप गैस को बंद करोगे, आपको इसका प्रेशर निकाल देना है, और निकाल के आपको राइस को स्प्रेड करना है ऐसे कोई बड़े से थाल में, या तो परात आपके पास होगी जिसमें हम लोग आटा वाटे थूनते, उसमें आपको ये स्प्रेड कर दीजिए राइस, तो एकदम खुला हो जाएगा, उसके बाद हमको लेयरिंग करनी है। तो चलिए चिकन के लिए स्टार्ट करते हैं। और हाँ, आपको मैं इंग्रेडिएंट्स में टमाटर बताना भूल गई थी, तो मैंने यहाँ पर ये स्लाइस करके रख दिया है। अब मैं इसमें कुछ नहीं, खड़े मसाले डालूंगी और ये थोड़ा सा फ्राइड अनियन भी डालूंगी ग्रेवी में ही, और आधा मैं लेयरिंग के लिए रखने वाली हूँ, क्योंकि बिरयानी में फ्राइड अनियन इज अ मस्ट, इसके बिना बिरयानी बन ही नहीं सकती। तो मतलब बन सकती है लेकिन इतनी अच्छी नहीं बन सकती। तो फ्राइड अनियन डालेंगे और बाकी जो सूखे मसाले हैं और जो मैरिनेटेड चिकन है उसको हम लोग अच्छे से इसमें कुक करेंगे, थोड़ा सा भुनेंगे। और आज की जो चिकन बिरयानी वो मेरे एक बहुत ही स्पेशल बर्तन में बनने वाली है,
जो कि बहुत ही एंटिक है। एक्चुअली ये मेरे मदर इन लॉ का कुकर है, बहुत ही पुराना है, तो बोल सकते हैं कि सबसे पुराना बर्तन है मेरे घर का। लेकिन बहुत अच्छा लगता है मुझे ऐसी पुरानी चीजें यूज करने के लिए। इनफैक्ट काफी ऐसी चीजें हैं मेरी मदर इन लॉ की जो मैंने काफी अच्छे से संभाल के रखी है। मतलब कि फॉर एग्जाम्पल उनको जो मसाले का डब्बा मिला था, उनकी शादी में गिफ्ट दिया था किसी ने, वो मैंने आज तक संभाल के रखा है। तो मुझे अच्छा लगता है कि ये मेमोरीज होती है, पता है हर एक, मतलब ये बर्तनों के साथ भी कुछ ना कुछ मेमोरीज अटैच होती है। जरूरी नहीं कि आप बहुत ज्यादा महंगी चीजों में आपकी मेमोरीज हो, तो मुझे ऐसी चीजें रखना बहुत पसंद है। और यहाँ पर मैं चिकन के मसाले की प्रिपरेशन कर रही हूँ। देखिए कुकर छोटा दिखने में बट काफ़ी बड़ा है, तो आप कोई बड़ा वैसा बर्तन लीजिए क्योंकि चिकन की क्वांटिटी भी ज़्यादा होती है 1 kg। और उसके बाद मैंने 700 ग्राम के करीब राइस लिया था। तो चलिए इसमें तेल में मैंने डाल दिए थोड़े से सूखे खड़े मसाले डाले थे मैंने, और एक टमाटर डाल के फ्राई कर लिया था। उसके बाद थोड़ा सा जिंजर गार्लिक पेस्ट डाला था, और जो सूखे मसाले थे, जो पाउडर मसाले थे, वो इसमें डाल के ना एक मिनट के लिए मैं बस इसको फ्राई करूँगी, ज़्यादा नहीं करना नहीं तो मसाले जल सकते हैं। और साथ में डाल दिया मैंने मैरिनेटेड चिकन। अब इसको मिक्स करेंगे, अच्छे से भूनेंगे और इसको ढक के रख देंगे करीबन 15 मिनट के लिए। 15 to 20 minutes इज सफिशियंट। तो चलिए मैं इसको अभी थोड़ा सा भून लेती हूँ और ढक के रख देती हूँ 15 मिनट के लिए। 15 मिनट हो चुके हैं और चिकन भी ऑलमोस्ट कुक हो चुका है, मतलब हल्का सा मेरे ख्याल से 20 to 30% इसमें बाकी है कसर। तो ये जो है वो दम में राइस के साथ में अच्छे से कुक हो जाएगा। और देखिए मैंने ज़्यादा ग्रेवी नहीं की है, मतलब ज़्यादा पानी छूटने देना नहीं है चिकन को। आप ज़्यादा देर ढक के रखोगे तो चिकन में बहुत ज़्यादा पानी छूटेगा, जो कि हमें नहीं चाहिए। इसकी थोड़ी सी गाढ़ी थिक कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। अब इसमें ऐड कर देंगे फ्राइड अनियंस, हाफ ऑफ द क्वांटिटी मैंने डाल दी है इसमें, और इसको मिक्स कर लूँगी एक बार। अनियन के साथ जो टेस्ट आता है ना फ्राइड अनियन के साथ में बिरयानी का या तो फिर चिकन का, वो बहुत ही अमेजिंग लगता है। और आई थिंक इसको बरिस्ता या बिरिस्ता ऐसे कुछ बोलते हैं क्या फ्राइड अनियन को, मुझे पता नहीं, अगर किसी को पता है तो प्लीज़ बताना। और यहाँ पर मैंने चावल की लेयरिंग स्टार्ट कर दी है, और देखिए चावल में कितना अच्छा नेचुरल कलर आया है, ऐसे वाइट वाइट नहीं लग रहे हैं चावल, हल्के से वो क्रीमिश ब्राउनिश कलर आए हैं, क्योंकि इसमें सारे मसालों के फ्लेवर्स हैं। एक चम्मच मैंने बिरयानी मसाला डाला था और फिर अदरक लहसुन चिली का पेस्ट डाला था। तो चलिए एक लेयर में लगा लेती हूँ राइस का, और राइस भी अच्छे बन चुके, खुले खुले 80% डन है, 20% बाकी है, तो ये परफेक्ट राइस बने हैं। और एक लेयर लगाने के बाद मैं इसमें रख दूँगी चिली, फ्राइड अनियन का थोड़ा सा एक लेयर लगा दूंगी, मतलब थोड़ा सी छिड़क दूंगी फ्राइड अनियंस, और थोड़े से फ्राइड पुदीना। और इस बार ना मेरे पुदीना क्रिस्पी नहीं बने थे, मतलब ऐसे सौगी सौगी बने थे, पता नहीं क्यों। और साथ में मैंने डाला है इसमें केसर का दूध, और फिर ये लगा दी मैंने सेकंड लेयर ऑफ राइस। और हाँ, थोड़ा सा राइस मैं इसमें बचा के रख दूंगी, क्योंकि मेरी जो छोटी बेटी है उसको कभी कभी तीखा लग जाता है, तो उसके साथ मिक्स करने के लिए एक मतलब प्लेन राइस में अलग से निकाल लेती हूँ। तो इसके ऊपर भी मैंने फ्राइड अनियन डाल दिए हैं, साथ में फ्राइड पुदीना, और जो बचा हुआ केसर का दूध है वो इसमें डाल दूंगी। और उससे कैसा ना एकदम नेचुरल कलर आता है। और आपने नोटिस किया इसमें मैंने कोई भी आर्टिफिशियल कलर का यूज़ बिल्कुल भी नहीं किया है, जैसे वो ऑरेंज ग्रीन कलर आते ना, वो मुझे वैसे भी पसंद नहीं है, तो मैंने नहीं डाले वो। यहाँ पर मैं कर रही हूँ दम की तैयारी। मैंने तवा रख दिया है, तवा हो चुका है गर्म। अब ये कुकर मैं इसके ऊपर सेट कर दूँगी, और इसके ऊपर डाल दूँगी हल्का सा पानी, और एक कुछ आप वज़न के लिए कुछ आप रख सकते हो, कुछ हैवी चीज़। और पानी डालने के कारण क्या होगा ना, जो स्टीम बनेगी उससे जो ऊपर वाले चावल है वो कुक हो जाएंगे अच्छे से इवनली। बिरयानी को मैंने दम पे रख दिया है, और आज मेरे पास, जैसे मैंने बताया, मेरे पास टाइम की बहुत कमी थी, नहीं तो मैं वो जो प्रॉपर आटे का जो दम होता है ना, आटे का जो ऐसे कवर कर लेते हैं हम लोग गूंदे हुए आटे से, और उसका जो प्रॉपर दम होता है वो मैं हमेशा यूज करती हूँ। बट आज थोड़ा सा मेरे पास टाइम कम था, तो मैंने बोला चलो जल्दी जल्दी मैं अभी बना लेते हैं, ऐसे भी बन जाएगी बिरयानी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट हाँ, दम वाली जो बिरयानी होती है वो अमेजिंग होती है। तो मैंने इसको ढक दिया है, हाई गैस पे मैंने इसको रखा था 5 मिनट्स के लिए, और इसको मैं अभी एकदम मीडियम या स्लो गैस पे आराम से आधा घंटा कुक होने दूंगी, और जल्दी बन जाएगी, क्योंकि चिकन मैंने अराउंड 2 घंटे के लिए मैरिनेट करके छोड़ दिया था। जितना ज्यादा आप चिकन को मैरिनेट करोगे, जितना ज्यादा देर तक, उतना ज्यादा अच्छा है, मतलब आपकी रेसिपी उतनी ज्यादा टेस्टी बनती है। तो चलिए इसके साथ
मैं एक और आज एक स्पेशल कुछ बनाने वाली हूँ जो कि है क्रैनबेरी मिंट मॉकटेल। एक ड्रिंक है मॉकटेल, तो बिरयानी के साथ आई एम श्योर सभी को बहुत पसंद आएगा, घर में बच्चे भी एंजॉय करेंगे। साथ में कुछ रिव्यू वीडियो के साथ भी। तो अगर आप मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है आपने, तो प्लीज प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल नोटिफिकेशन जरूर प्रेस कीजिए ताकि मेरे कोई भी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको पहले मिले। और हाँ, अगर ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।